दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे घर की कहानी बताऊंगा जो पूरे देश का सबसे डरावना घर था, जिसका नाम था मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस। ये जब से ये घर बना था, तब से इस घर में अजीब घटनाएं घटती हुई आई हैं। और ये घर बना था 1885 में। क्रॉले फैमिली इस घर की सबसे पहला परिवार था, और उनके साथ एक नौकरानी भी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उस नौकरानी का पैर सीढ़ी से फिसल गया, लेकिन उसका यह कहना था कि वो फिसली नहीं है बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ढकेला है। लेकिन क्रॉले फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो ये कह रही थी ये कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रही है। लेकिन वे फिर से जब वो ठीक होकर दोबारा से काम पर आई, तो फिर एक बार ठीक उसी जगह से वो सीढ़ी से गिर गई। और इस बार वो नौकरानी दावे के साथ कह रही थी कि वो गिरी नहीं है बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ढकेला है। लेकिन इस बार भी क्रॉले फैमिली उसकी बात मानने को तैयार नहीं। फिर क्या हुआ, फिर से वो नौकरानी काम पर आई, लेकिन फिर एक बार और वो नौकरानी ठीक उसी जगह से गिरी जिस जगह से वो पहले 2 बार गिरी थी। और लेकिन अब की बार वो इतनी जोर से गिरी थी कि वो उसी समय उसकी मौत हो गई। फिर क्या हुआ, जब उस घर में दूसरी नौकरानी काम पर आई, तो उसकी भी बालकनी से गिरने से मौत हो गई। लेकिन उसका एक बेटा था जो उसके साथ उसी घर में रहता था। क्रॉले फैमिली ने इंसानियत के नाते उसके बेटे को अपने साथ ही रख लिया, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अब क्या हुआ, क्रॉले फैमिली ने उस बेटे को अपने ही घर के पीछे एक छोटे से कमरे में बांध कर रख दिया, क्योंकि एक्सीडेंट के चलते उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। अब उन्होंने सोचा कि जब ये ठीक हो जाएगा तब इस कमरे से इसे बाहर निकालेंगे, अगर ये ठीक नहीं होता है तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन मेंटल हॉस्पिटल जाने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब वो उस घर में था, तो किसी एक सियार जैसी रात के समय में आवाज आती थी, और लोकल लोग बड़े परेशान थे कि आखिर ये सियार की आवाज आती कहाँ से है। फिर वो जब मेंटल हॉस्पिटल चला गया, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी वहां के लोकल लोगों को उस घर से किसी मॉन्स्टर जैसी आवाज आती थी। वहां के लोकल लोग बड़े परेशान थे कि आखिर ये आवाज आती कहाँ से है। और उस क्रॉले फैमिली के साथ कई घटनाएं भी ऐसी घटी जिसके चलते उसने कम दाम में इस घर को बेच दिया, और जिस परिवार ने इसे घर को लिया था उनके साथ भी कई अदृश्य घटनाएं भी घटने लगी थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। एक दिन क्या हुआ, उनके ही परिवार का एक सदस्य मरा हुआ मिला, और उसका आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो उस वक्त की मृत्यु कैसे हुई थी। और भी कई फैमिली इस घर में रहने के लिए आई, लेकिन उनके साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी कि उनको भी इस घर को छोड़कर जाना पड़ा। एक परिवार जब इस घर को लेने के लिए तैयार हुआ, जब वो उसमें रहने लगा, तो उसके साथ भी एक ऐसी घटनाएं घटी जैसे कि लाइट्स का ऑन ऑफ होना, और किसी रूहानी ताकतों का भी उन्हें महसूस हुआ। फिर उन्होंने भी इस घर को छोड़ दिया, और कुछ ही समय बाद इस घर को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। सब आते थे और देख कर लौट कर चले जाते थे। ये घर आज भी मौजूद है, लेकिन बात करें आज के समय की तो वहां पर कोई रहता नहीं है। वो घर आज भी उसी जगह पर बना हुआ है। दोस्तों, यदि आपको मौका मिले उस घर पर जाने का, तो क्या आप जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।